it, which he has kept secret with him, which is, so I once again request Biren Bhai to share your views in shortcut, in a 1 minute. What is your view, what is will be the bottom and what will be the top for the coming year? 1 minute. Demand chesai public ni. मैं यूजुअली पब्लिक में ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ प्राइस रेंज, काफ़ी कभी टाइम कंट्रोवर्शियल हो जाती है. फिर भी मैं ब्रॉड रेंज आपको नियर टर्म 3 महीने की जो दे रहा हूँ आइस की, वो 71 से 85 रहेगी अगले 3 महीना. उसके बाद सब्जेक्ट टू डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, जो ब्रॉड रेंज रहेगी वो प्रोबेबली 77 से 92 रहेगी. दैट इज़ वैलिड फॉर मई जून. इंडिया में दो सीनरियो है कि अगर MSP पे गवर्नमेंट आती है तो रिप्लेस डिमांड जो रिप्लेस होगी वो गवर्नमेंट से रिप्लेस होगी. इन दैट सीनरियो प्राइवेट जिनिंग को माल नहीं मिलेगा एंड मार्केट विल बी यूज डिस्टॉर्शन. तो उस एंगल पे जो भी तेजी आएगी वो अप्रैल मई जून में आफ्टर पोस्ट इलेक्शन जो भी होना है, इलेक्शन के पहले जो भी होना है वो हो जाएगा. उसके बाद भगवान भाई बाप. तो MCX की मेरी 6 महीने की जो रेंज है फर्स्ट हाफ अक्टूबर टू जून इज 19,500 से 26,500. उसमें 5% का फर्क रुपी क्रूड, उसमें अगर नेगेटिव रहा तो आ सकता है. कैंडी S6 स्टैंडर्ड क्लीन अच्छा माल, उसकी जो रेंज रहेगी वो प्रोबेबली 44 से 62 तक की रहेगी, सब्जेक्ट टू ग्लोबल मार्केट कंडीशंस. और रुपी की जो रेंज रहेगी, लास्टली रुपी की रेंज फिलहाल अगर कोई क्रूड में बहुत बदलाव नहीं आता है तो रुपी की रेंज हम 70 से 78 तक मान के चलते हैं. और क्रूड की रेंज फिलहाल एज ऑफ नाउ अगले 2 महीने के लिए ब्रेंट 78-95 और WTI 68-80 रहेगी. थैंक यू. एंड देर इज वन मोर अनाउंसमेंट दैट फॉर योर ड्राइवर्स वी हैव अरेंज द फूड पैकेट्स एंड दोज पैकेजेस